गाइस फाइनली मेरे फ्रेंड्स आ गए। एक्टिंग चल रही है। कहाँ चल रही है? तो पता सारा मेरे को पढ़ा नहीं है। अरे लेकिन है क्या? तू ले ले ले। अपन है क्या ही है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 8। बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो गया। मैं एक्चुअली जा रही हूँ आज LLB का एग्ज़ाम्स देने। कितनी चिल हूँ यार मैं। बट एक बार आप CS का एग्ज़ाम दे देते हो ना, फिर आपको किसी भी एग्ज़ाम का टेंशन नहीं रहता है। ट्रस्ट मी, मतलब ऐसा लगता है कि अरे ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। वैसा ही हो रहा है मेरे साथ LLB के टाइम पे। आज CRPC का पेपर है, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। CS के टाइम पे वो एक चैप्टर हुआ करता था, बट अभी एक पूरा सब्जेक्ट है। सो मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे सेंटर पर, जो कि महालक्ष्मी में। बाय द वे, मैं कॉलेज से घर नहीं, ऑफिस जा रही हूँ। ये हम लोग का हमेशा का रूटीन है, 4 पेपर होते हैं, कॉलेज से सीधा ऑफिस जाना रहता है। स्ट्रगल्स सुनो। गाइस फाइनली मैं मेरे सेंटर पर पहुंच गई हूँ, जो कि है लाला लाजपत राय कॉलेज इन महालक्ष्मी। एंड मैं अकेली हूँ, मेरे अभी तक कोई और दोस्त आए नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर देम। लाइक 10:30 का पेपर होता है ना, अभी बज रहे हैं 10। गाइस फाइनली मेरे फ्रेंड्स आ गए। एक्टिंग चल रही है। कहाँ चल रही है? तो पता सारा मेरे को पढ़ा नहीं है। अरे लेकिन है क्या? तू ले ले। अपन है क्या ही है? गाइस अरे जो भी ना है ये लोग पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। तुम ऑन अ सीरियस नोट धवल एडिट मोड आ देना मेरे को। क्या चल जा रहे हैं? एडिट मोड आ देना। चलो बाय। यू गाइस आर सो रूड। नो कमेंट प्लीज। अच्छा, बट पढ़कर हुआ क्या? ये ऐसे लोग होते हैं यार। अभी मैं आ गया तेरे, इसमें कितना तेरे को व्यूज मिल जाएगा पता है? व्यूज फ्रेंड्स आर लिटिल शाय, बट शी इज नॉट शाय, यू मस्ट बी नोइंग हर। बट पढ़ तो रहे हुआ पढ़कर। तूने पढ़ा? आईआईटी की पढ़ा। ये लोग पूरा टाइम नहीं पढ़ रहे थे, जैसे ही कैमरा ऑन किया इन लोगों का पढ़ाई। देखो हम लोगों ने किया क्या? CRPC का मॉड्यूल है। नहीं, कौन सा मॉड्यूल है भाई? ये कौन सा एक्टर? जुबिलेंट ना, उसके बाद बच्चों वाला एक्टर जुबिलेंट। जुबिनाइल, हाँ सॉरी जुबिलेंट। अभी हम लोग जा रहे हैं सेंटर के अंदर एग्जाम्स देने। गाइस एक घंटे पहले हम लोग का पेपर हो गया। बीइंग अ CS ना, फटफट फटफट लिख के जाता हूँ। मेरा ही नहीं, मेरे दोस्तों का भी, जो अभी गायब हो गए हैं क्योंकि दे आर वेरी शाय, कैमरा शाय। जाऊँ अब तक लिख रही है, लाइक वो CS में भी ऐसा ही करती थी वो, कंटिन्यू जब तक एंड मिनट ख़त्म नहीं हो तब तक वो पेपर लिखती रहेगी। सो हम लोग अब उसके लिए वेट कर रहे हैं। हम लोग हाजी अली के एकदम अपोजिट खड़े हैं। सो एक घंटा बचा है और हमें हमारी दोस्त के लिए वेट तो करना ही है। ऑफिस भी जाना है उसके बाद, नो डाउट। पर मैंने सोचा यहाँ पे हाजी अली जूस सेंटर है जो बहुत फेमस है ना अनुज, उसने सजेस्ट किया। तो अभी हम जा रहे हैं जूस पीने। एंड हमारा जो तीसरा फ्रेंड था धवल, वो तो निकल गया।
बिना बाय बोले. सो लाइक क्या बोलूँ, ऑफिस डेडिकेटेड पर्सन. चलो मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे. गाइज ये रहा हाजी अली जूस सेंटर. तो एक और बनाओ अंकल, मुझे भी पीना है. तो गाइज हम लोगों ने हाजी अली जूस सेंटर जाना कैंसिल कर दिया. वो रहा वहाँ पे है, बट हमने सोचा कि हम हमारे दोस्त के साथ ही जाएंगे. तो अभी हम लोग नींबू पानी पी रहे हैं. थैंक यू. सो गाइज अभी लाइक 12:35 हो रहा है एंड हमारी फ्रेंड जागो आ गई थी ये महालक्ष्मी स्टेशन. सो उन लोगों को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया क्योंकि उन लोगों का ऑफिस मुंबई साइड में ही है, बट मेरा ऑफिस हार्बर साइड में है. तो मैं कॉटन ग्रीन स्टेशन जाऊँगी, यहाँ से लाइक 20 मिनट्स लगता है, उसके बाद में ऑफिस जाऊँगी. इफ़ यू गाइज आस्क मी कि पेपर कैसा था, तो पेपर मतलब बहुत ईजी था मेरे हिसाब से, तो अच्छा था. और मैंने लाइक एक घंटे में जैसे मैंने बताया पूरा पेपर लिख दिया था. 60 मार्क्स का पेपर होता है क्योंकि 40 मार्क्स का असाइनमेंट होता है. तो गाइज अगर आप लोग LLB करने का प्लान कर रहे हो देन डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा आप लोगों को एंड आप लोग बहुत जल्दी से क्लियर भी कर लोगे. 3 ही साल होगा आप लोगों को. सो गाइज कॉटन ग्रीन स्टेशन पहुँच चुकी हूँ. मेरे चेहरे पर थकान देख रहे रहोगे आप लोग, बहुत थक जाते हैं यार ऑफिस में. फिर ऐसा भी नहीं है ना कि ऑफिस में जाके हाँ एसी के नीचे बैठना है सोना है, ऑफिस का भी अलग काम होता है. एंड ये सिर्फ मैं नहीं, जितने भी CS है ना, जो मेरे फ्रेंड्स थे जो भी है, वो लोग ऐसा ही करते हैं. एग्ज़ाम लेते हैं, एग्ज़ाम के दिन वो लोग वापस जाते हैं ऑफिस में. तो ऐसा नहीं होता है कि CS बनने के बाद मज़े ही मज़े है, सबका अलग अलग स्ट्रगल्स रहता है. वाशी स्टेशन आ चुकी हूँ. ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेरे दूसरे घर में आ गई हूँ. तो ऑफिस जाके यू नो सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू हैव माई लंच बिकॉज आई एम वेरी हंग्री. जाके सबसे पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद देखते हैं. लिफ्ट 11th फ्लोर पर क्यों होता है, कहाँ पर है मैम ये लोग? आई गेस वो लोग लंच करने गए हैं. हाय क्यूटीज, हाय. आज सुबह से मेरे को सब इग्नोर ही कर रहे हैं. सो ऑफिस आके सबसे पहले मैं लंच कर रही हूँ एंड ये लोग मेरे लिए रुके हुए थे लंच के लिए. थैंक यू. अभी 5 बज रहे हैं एंड मैं मेरे ऑफिस से निकल चुकी हूँ. आई प्रिफर वॉकिंग जाते टाइम स्टेशन क्योंकि वॉकिंग होनी चाहिए. तो मैं निकल चुकी हूँ घर जाके. अब मैं बहुत अच्छे से सोऊंगी, फिर मैं जिम जाऊंगी, फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगी
जो कि हमारा पेपर है परसों, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का। आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो एंड आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसी लाइफ होती है एक LLB स्टूडेंट की, प्लस जो CS ऑलरेडी बन चुके हैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में।